गैशियस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर गैशियस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. मतलब आपका रिएक्टेंट प्रोडक्ट सब गैशियस है, तो इस केस में इंटीग्रेटेड रेट लॉ कैसे यूज करते हैं. तो लास्ट लेक्चर हम लोगों ने इसका डेरिवेशन देखा था. फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग टू द बेस 10 ए जीरो अपॉन 80. ये इक्वेशन था इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. सर ए इज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इनिशियल, 80 इज द कंसंट्रेशन रिएक्टेंट आफ्टर टाइम टी. थोड़ा भाई हमें यही इक्वेशन देखना है फॉर गैसियस रिएक्शन. सो प्लस लेट अस स्टार्ट. प्लस हम जो हमारे पास गैसियस रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट ए व्हिच इज गैसियस कन्वर्ट्स इनटू प्रोडक्ट बी व्हिच इज गैसियस एंड प्रोडक्ट सी व्हिच इज आल्सो गैसियस. तो रिएक्टेंट ए कन्वर्ट्स इनटू प्रोडक्ट बी एंड प्रोडक्ट सी. तो बी एंड सी बोथ आर गैशियस, ए इज ऑल्सो गैशियस. तो प्लस समझो व्हेन वी स्टार्ट अ रिएक्शन, समझो इस वेसल में क्लोज वेसल हैज टू बी क्लोज. तो इस क्लोज वेसल में जो हमने रिएक्टेंट ए लिया था उसका रिएक्शन शुरू जब हुआ था, तो इनिशियल मतलब टी इक्वल जीरो रिएक्शन जस्ट स्टार्ट हुआ या फिर रिएक्शन जस्ट स्टार्ट होने वाला है, तो टी इक्वल जीरो द प्रेशर ऑफ ए Let us call it pressure as PI. So PI क्या है? Initial pressure of reactant. Okay, anybody in the class tell me what will be pressure of B and C? Yes. कोई message कर सकता है? B और C का pressure कितना होगा? A का pressure PI हमने consider किया. What will the pressure of B and C? Okay. So pressure of B and C will be Sahil. ने करेक्ट आंसर दिया है. प्रेशर ऑफ बी एंड सी विल बी 0 एंड 0. मतलब अभी तक रिएक्शन स्टार्ट हुआ ही नहीं है. अगर रिएक्शन स्टार्ट हुआ नहीं तो हमारे पास ना बी है ना हमारे पास सी है, तो प्रेशर ऑफ बी एंड सी विल बी 0 इनिशियली. रिएक्शन जब स्टार्ट नहीं हुआ तब, तो प्रेशर जब हमने लिया है इसमें जो भी पूरा रिएक्टेंट है ए उसका प्रेशर होगा रिकॉर्डेड प्रेशर एस पी आई. ओके, समझो रिएक्शन शुरू होके कुछ समय चला गया तो प्लस प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट विल इंक्रीज और डिक्रीज. प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट ए विल इंक्रीज और डिक्रीज. Pressure of reactant A will increase or decrease. तो प्लस चलो मैं एक चीज बता देता हूँ आपको कि for aqueous solution the concentration is expressed aqueous solution we use the concentration term and for gases we use the term pressure. तो concentration of gaseous solution the concentration of gases is expressed in their pressure. लिख रहा है यहाँ पे concentration of gases. Good. Concentration of gases are expressed in pressure. So the high pressure means the high concentration, low pressure means the low concentration. So instead of concentration term for gaseous reaction we use term pressure. So agar reaction shuru hoke kuch samay chala gaya to pressure reactant A will convert into some product B and C. So pressure of reactant goes on decreasing. तो रिएक्टेंट का प्रेशर कम हो जाएगा. तो समझो उसका प्रेशर कम हो गया एक्स से, तो आफ्टर टाइम टी द प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट ए इज पी आई माइनस एक्स. तो एक्स क्वांटिटी से रिएक्टेंट ए का प्रेशर कम हो गया बिकॉज उसमें से कुछ रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बन गया. एनीबॉडी बी एंड सी कितना होगा? तो बी विल बी एक्स, वेरी गुड, एंड सी विल बी ऑल्सो एक्स बिकॉज एक्स क्वांटिटी कम होगा. तो ये एक्स प्रोडक्ट, ये इसका प्रेशर एक्स होगा, इसका प्रेशर एक्स होगा. तो देखो आपके पास समझो ये 100 है इनिशियली और ये 0 0 है. अगर ये 99 हो गया तो देखो यहाँ पे कोई क्या है 1:1:1. अगर ये 99 हो गया तो उसमें से एक कम हो गया, तो उसमें से एक कम हो गया तो ये के बनेगा और एक ये बनेगा. अगर उसमें से एक्स कम हो गया तो एक्स ये बनेगा और एक से बनेगा, तो इसका प्रेशर एक्स होगा, सी का प्रेशर एक्स होगा. ठीक है, तो प्लस टोटल प्रेशर एट टाइम टी, द टोटल प्रेशर आफ्टर टाइम टी विल बी इक्वल टू प्रेशर ऑफ गैस ए. अभी इस बीकर में तीनों गैस होंगे, गैस ए होगा, गैस बी होगा, गैस सी होगा. गैस ए का प्रेशर है पी आई माइनस एक्स, गैस बी का प्रेशर है एक्स और गैस सी का प्रेशर है एक्स. तो टोटल प्रेशर इन द बीकर विल बी पी इक्वल टू असल सर पी इज इक्वल टू
pi minus x plus x plus x, so that is nothing but, हाँ बोलिए ओम पांडे जी सर, ये जो आपने बताया कि एक मिनट में होगा लाइक 100 था तो हेलो, हाँ बोलो वापस बोलो हेलो, हाँ सर आपने क्या बोला कि समझो पी आई कंसिडर किया 100 और एक्स समझो 1 है तो 99, मतलब ए को 1 प्रेशर कम हुआ, ओके एक 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 ना एक एक जस्ट मिनट एक मिनट होगा सर, मुझे ना बहुत बिल्कुल आवाज नहीं आ रहा, मैं कुछ करता हूँ हेलो, हाँ सर आपने क्या हाँ. बोला कि समझो एक के मतलब रिएक्टेंट साइड एक प्रेशर कम हुआ, ओके फॉर एग्जांपल सो इधर 99 हो गया, सो अब सर बी और सी कंसीडर कर मतलब दोनों को मिला के 1 प्रेशर डाउन होएगा या बी और सी का अलग-अलग 1-1 डाउन होएगा, 1-1 डाउन होगा ना, बी का 1-1 डाउन होगा सी का 1 डाउन होगा। अब देखो तुम्हारे पास समझो NaCl है, मैं एग्जांपल देता हूं, तुम्हारे पास समझो है Na या फिर AlCl3 है राइट, हां सर तो अगर एल सी एल थ्री ब्रेक होता है तो तुम्हें एक एल और 3 Cl मिलते हैं ना, हाँ सर समझ में आ रहा है, हाँ हाँ सर तो इसका हाँ तो प्रेशर अभी समझो ए का प्रेशर एक से कम हो रहा है, ओके तो जो बन रहा है बी एंड सी, तो बी का प्रेशर भी एक्स होगा सी का प्रेशर भी एक्स होगा, ओके सर ठीक है, तो बी इज एक्स सी इज आल्सो एक्स, किसी और को पूछना है प्लीज डाउट नहीं एक्सप्लेन करता, हाँ बोलो, हाँ हाँ सर लेकिन वो अगर वो x कम हो रहा है, x कम नहीं हो रहा x बढ़ रहा है मी सर, वो जो a का कम से हो रहा है बराबर, हां a का x जो कम हो गया हां वो bc के पास सर आधा-आधा जाना चाहिए ना, वो पूरा जा रहा है कैसे सर, वही सर 0.5 होना चाहिए था ना उधर, हां ठीक है मैं बताता हूं क्यों नहीं होता 0.5, देखो प्रेशर मतलब क्या होता है, ओके प्रेशर किसके जैसे होता है बोलो, हेलो हेलो आवाज नहीं आ रहा मेरा सर, कोलिजन नहीं नहीं प्रेशर किसको वजह होता है, प्रेशर होता है बिकॉज़ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मालूम है यस मास की वजह से होता है, मास और वॉल्यूम, मास नहीं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का वजह होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो मैंने यही बोला तुम्हें, समझो तुम्हारे पास है MgCl2 राइट, सो से फॉर एग्जांपल हेलो, हां सर हां सर, हां तो जितने ज्यादा मॉलिक्यूल उतना ज्यादा प्रेशर, जितने ज्यादा मॉलिक्यूल उतना ज्यादा प्रेशर, MgCl2 जो रिकम्पोज हो रहा तो मैं क्या मिलेगा Mg plus 2Cl राइट, हेलो Mg plus 2 plus 2Cl minus, तो अभी MgCl2 ब्रेक होके तुम्हें 3 पार्टिकल मिल राइट, तो यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल x है तो इसका प्रेशर x होगा, यहाँ पे पार्टिकल 2x है इसलिए इसका प्रेशर 2x होगा, तो प्रेशर डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, अभी a टू के b एंड c बन गया राइट, तो पार्टिकल अगर x अगर x अमाउंट अगर तुम्हारा प्रेशर x से कम होगा किसका इसका a का, तो a ब्रेक होके b एंड c बना ना, तो इक्वल नंबर बने ना b और c उतने बने ना, नहीं समझ में आ रहा सर, बस वो 0.5 का कंफ्यूजन है, हां 0.5 का वही तो रीजन बता दो तुम लोगों को, मैं क्या बोल रहा हूं मैं कि प्रेशर किस वजह से होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की वजह से, व्हाट इज प्रेशर, प्रेशर क्या होता है फोर्स अपॉन एरिया राइट, यस ओके एरिया तो उतना ही रहेगा, फोर्स कौन एग्जर्ट करता है मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल बढ़े तो फोर्स बढ़ेगा और मॉलिक्यूल कम हो तो फोर्स कम होएगा, अभी अगर ए कन्वर्ट्स इनटू बी एंड सी तो ए के मॉलिक्यूल्स कम हो रहा है, हां सर तो उसका प्रेशर कम हो रहा है, ओके ओके एंड बी एंड सी फॉर्म हो रहा है, हां सर तो जितने बी फॉर्म हो रहे उतने सी फॉर्म हो रहे हैं ना, हां इक्वल फॉर्म हो रहे हैं, यस इक्वल फॉर्म हो रहा है तो प्रेशर भी इक्वल ही होगा ना दोनों का, ओके देखो अभी तुम्हारा एक मौसम जो एक मॉलिक्यूल टूट के तीन मॉलिक्यूल दो मॉलिक्यूल बन गया राइट, हां सर तो समझो एक मॉलिक्यूल टूटा समझो उसका प्रेशर पी था, हां तो उसमें से x प्रेशर कम हो गया राइट, हां सर तो अभी जो दो मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डबल हो गया ना, हां तो डबल मॉलिक्यूल का प्रेशर जो x कम हुआ है वो 2x हो जाएगा ना दो मॉलिक्यूल डबल मॉलिक्यूल्स के लिए, हां नहीं नहीं समझा अभी भी नहीं, नहीं सर नहीं समझा, ठीक है रुको एक मिनट के लिए रुको, हां सर एक बार और समझा ना, नहीं समझा बता दो एक मिनट रुको, ठीक है मेरे पास देखो हमारे पास एक बीकर है जिसमें रिएक्टेंट ए है, बराबर है
और ए का प्रेशर क्या है? पी आई। प्रेशर किसके वजह से होता है बोलो? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो हमारे पास ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है किसके? ए के। कितने पी आई, राइट? सॉरी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जितने भी है उसका, इनका सबका प्रेशर कितना पी आई है सब मॉलिक्यूल्स का मिला के, ठीक है? हाँ सर। अभी इसमें एक एक कुछ मॉलिक्यूल रिएक्ट हो गए, समझो इतने, एक दो तीन चार, एक काउंट करते हैं, एक दो तीन चार पाँच छह सात है, राइट? हाँ, अभी समझो हमारे पास एक किसी पांच ही मॉलिक्यूल बचे, राइट? एक yes. दो तीन चार पाँच, तो हमारे एक ही पांच ही मॉलिक्यूल बचे, तो उसका प्रेशर थोड़ा कम हो जाएगा, राइट? कितना कम होगा हम लोग मानते हैं, समझो एक्स कम हो गया, राइट? हेलो, हाँ, ये पांच मॉलिक्यूल कम हो गए, पांच मॉलिक्यूल कम हो गए, मतलब अपना पहले अपने पास कितने थे? एक दो तीन चार पांच छह सात थे, सात थे, राइट? सेवन थे। अभी हमारे पास पांच है। ओके, व्हाट हैपेंड अबाउट दो मॉलिक्यूल? दो मॉलिक्यूल का क्या हुआ? वो बी एंड सी में कन्वर्ट हो गया, राइट? दो मॉलिक्यूल बी और सी में कन्वर्ट हो गया, राइट? यस। हाँ, तो तुम्हारे पास अभी बीकर में दो मॉलिक्यूल बी के है, बराबर है? दो मॉलिक्यूल सी के है। सर, दो मॉलिक्यूल कैसे होंगे? एक एक ही मॉलिक्यूल होंगे ना? हाँ, अरे एक, हाँ सॉरी, एक मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल बी का है, हाँ सॉरी, बी ए का, बी का एक मॉलिक्यूल है और सी का एक मॉलिक्यूल, दो होंगे रे बेटा, रुक 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 रुक, तुम्हारे पास ए कितना थे? सेवन। सेवन थे, तो ये ए सेवन है, उनका प्रेशर पी आई, राइट? हाँ। भी बाद में दो मॉलिक्यूल क्या हो गए? रिएक्ट हो गए। हाँ। तुम्हारे पास ए के भी कितने बचे? पांच बचे, फाइव मॉलिक्यूल्स ए के बचे। हाँ, पांच मिलेगा। अभी मैं देखो रिएक्शन क्या है, ए गिव्स यू बी एंड सी, बी प्लस सी, तो तुम्हारे दो मॉलिक्यूल्स ए के रिएक्ट हुआ है। हाँ। तो एक मॉलिक्यूल रिएक्ट होता तो तुम्हें एक बी मिलता और एक सी मिलता, राइट? हाँ। तो दो रिएक्ट करेंगे तो दो बी और दो सी मिलेंगे, बराबर है? तो यहाँ पे बीकर में दो मॉलिक्यूल बी के है और दो मॉलिक्यूल सी के है, तो बी का प्रेशर और सी का प्रेशर, दो मॉलिक्यूल्स, देखो जितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से प्रेशर डिसाइड होता है, तो बी के भी दो मॉलिक्यूल, सी के भी दो मॉलिक्यूल है। हाँ। तो जो कम हुआ प्रेशर, जो मॉलिक्यूल कन्वर्ट हुआ है उनका, अगर ए का प्रेशर एक से कम हुआ, राइट? हाँ सर। तो क्यों कम हुआ? बिकॉज बी एंड सी बना है। ओके, हाँ हाँ। तो अगर बी का प्रेशर एक्स है तो सी का प्रेशर कितना होना चाहिए? एक्स ही होना चाहिए, एक्स ही होना चाहिए। नहीं समझा अभी भी ना? By means like sir, एक मॉलिक्यूल ए का और एक बी और एक सी बना सकता है, तो वही सबसे दो मॉलिक्यूल्स ए के दो बी और दो सी बनाएंगे। प्रेशर सर मतलब पी आई था पहले। हाँ। और उस एक्स से कम हुआ तो फिर बी और सी का भी एक्स एक्स से ही कम होएगा। हाँ, वही तो बोला मैंने। ए। हाँ? ठीक है, देखो मैं वापस बता दूं, अगर एक ए के कुछ मॉलिक्यूल कम हो गए, राइट? यस। तो मॉलिक्यूल कम हो तो ए का प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। हाँ, तो समझो अगर ए सिर्फ बी बनता, राइट? हाँ। तो तुम्हारे पास यहाँ पे सिर्फ एक्स होता। हाँ हाँ, क्योंकि एक मॉलिक्यूल टूट के सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल बना है। हाँ। पर ए टूट के बी और सी दोनों बने है ना? हाँ। तो एक मॉलिक्यूल टूट के दो मॉलिक्यूल बने, राइट? तो प्रेशर मॉलिक्यूल बड़ा है छोटा उस पर डिपेंड होता है, प्रेशर कितने मॉलिक्यूल उस पर डिपेंड होता है। तुम्हारे पास अगर एक का ए मॉलिक्यूल टूट के एक बी और एक सी बना है, तो एक का एक मॉलिक्यूल कम होने से जितना प्रेशर कम होगा उतना प्रेशर इधर दोनों में पड़ेगा, दोनों का बढ़ेगा, बिकॉज़ एक ही मॉलिक्यूल दो बना सकता है, दो बना सकता है ना। हाँ, वही तो बना रहा है ना, एक मॉलिक्यूल दो बना रहा है, वही स्ट्रेटजी बता रहा हूँ मैं अभी, क्लियर है? हाँ हाँ सर, क्लियर क्लियर, ठीक है। हाँ, तो फिर याद रखो, हाँ, तो पी इज इक्वल टू पी आई माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, ठीक है? तो दैट इज पी इज इक्वल टू, क्या बोलेंगे हम लोग, बोलो आप बोलो, P इज इक्वल टू पी आई प्लस एक्स, क्योंकि एक्स एक्स कैंसिल, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, राइट? तो ये हो गया तुम्हारा टोटल प्रेशर। ओके, टोटल प्रेशर मतलब ए का बी का और सी का सबका मिला के, ओके, एट टाइम टी,
ओके नेक्स्ट थिंग तो क्या राइट एक्स इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू क्या लिख सकते हम लोग पी माइनस पी आई देखो ये देखो देखो एक्स इज इक्वल टू पी माइनस पी आई लिख सकते हैं ठीक है ओके मुझे आता सब लोग ए जीरो क्या था अब इस केस में ए जीरो क्या होता है प्रेशर गड्ढे में तो ए जीरो क्या था तो इनिशियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट वाज पी आई राइट ए टी क्या होगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम टी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम टी कितना है वो पी आई माइनस एक्स बराबर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट इज पी आई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम टी इज पी आई माइनस एक्स तो मतलब इफ आई पुट वैल्यू ऑफ एक्स अगर मैं एक्स वैल्यू डालता हूँ यहाँ पे एक्स वैल्यू है तो पी आई माइनस पी माइनस पी आई राइट ये एक्स वैल्यू यहाँ पे डाला तो ए टी इज इक्वल टू ये प्लस हो जाएगा तो टू पी आई माइनस पी बराबर है ओके तो क्लास हमारे पास इक्वेशन है ये वाला इक्वेशन देखो के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 3 लॉग टू द बेस 0 अपॉन 80 तो k is equal to 2.303 upon t okay log to the base 10 हमारे पास a zero का वैल्यू क्या है pi है और a t का वैल्यू क्या है 2 pi minus p है तो दिस इज इक्वेशन फॉर गैसियस रिएक्शन ओके अच्छे से देख लो एक मिनट के लिए सब लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स ओके तो क्लास पांडे ने जो क्वेश्चन पूछा सबके लिए मैं उसको एक बार ये कर देता हूँ उसने पूछा था यहाँ पे x बाई टू और यहाँ पे x बाई टू क्यों नहीं बिकॉज एक मॉलिक्यूल टूट के अगर ये प्रेशर एक से कम हो रहा है तो ये इधर x बाई टू एक बाई टू होना चाहिए ऐसा क्यों नहीं इसका रीजन बताता हूँ अगर ए का एक मॉलिक्यूल कम हो रहा है तो बी का आधा और सी का आधा मॉलिक्यूल बन रहा है क्या क्या बी आधा और सी आधा बन रहा है नहीं ना अगर ए का एक मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहा है तो एक मॉलिक्यूल ऑफ ए हमें एक मॉलिक्यूल ऑफ बी और एक मॉलिक्यूल ऑफ सी दे रहा है आधा आधा नहीं दे रहा तो इसलिए एक्स एक्स है अगर वो आधा आधा देता तो हम x बाय टू लिखते हैं तो एक मॉलिक्यूल कम होने से समझो प्रेशर कुछ कम हुआ समझो एक समझो एक्स मॉलिक्यूल समझो कुछ मॉलिक्यूल कम हो गए तो प्रेशर एक से कम हुआ कुछ मॉलिक्यूल एक कम हो गए इसलिए प्रेशर एक से कम हुआ तो एक के जितने मॉलिक्यूल कम होंगे उतने बी और सी के मॉलिक्यूल बनेंगे एक के जितने मॉलिक्यूल कम हो गए उतने बी एंड सी के मॉलिक्यूल बनेंगे तो जितने बी एंड सी के मॉलिक्यूल बनेंगे उनका प्रेशर वो एक्स एक्स होगा या फिर भी किसी को क्वेश्चन पूछना है प्लीज जल्दी पूछो बिफोर वी प्रोसीड सर ये पी जो लिखा है आपने 2pi - p वो पी लाइक अपना ये है ना मतलब प्रेशर जब कम हो जाता है इनिशियल प्रेशर ऑफ ए पी कौन सा पी ना पी हां पी तो टोटल प्रेशर है टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम मतलब आफ्टर टाइम टी ये पी क्या है टोटल प्रेशर अभी टोटल प्रेशर क्या होता है समझो एक बीकर में तीन गैस है ए बी एंड सी व्हाट इज टोटल प्रेशर प्रेशर ऑफ गैस एडिशन ऑफ ऑल प्रेशर प्रेशर ऑफ गैस है प्रेशर ऑफ गैस भी प्रेशर ऑफ गैस है तो ए का प्रेशर ये है बी का ये है और सी का ये है तो टोटल प्रेशर इज दिस दिस प्लस दिस प्लस दिस समझा हां सर तो पी द टोटल प्रेशर ओके क्लास आपको समझा रिएक्शन ये फार्मूला लिख लो राइट ऑन दिस फार्मूला तो दिस इज इंटीग्रेटेड rate equation for first order gaseous reaction sir aapne jo bhi sab diya integrated rate loss wo sab equilibrium pe hi hai na nahi nahi equilibrium nahi beta yahan pe hum log reverse kya bol rahe hain after time t hai, at time t okay what is t equal to 0 initial when reaction was not started ha what is t equal to do t sorry After time t हो गया था of the reaction हाँ हो गया लिख के ठीक है quickly मैं एक बार फटाक से बता देता हूँ हमारे पास gaseous reaction है जिसमें reactant A converts into product B and C
तो जब बीकर में हमने रिएक्टेंट ए लिया था, सिर्फ रिएक्टेंट ए था तो उसका प्रेशर पी आई था, तो इट इज इनिशियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट ए. ओके, हमारे पास इस क्लोज कंटेनर में, देखो कंटेनर क्लोज नहीं होगा तो प्रॉब्लम क्या होगा, वॉल्यूम भी चेंज होगा, तो हम लोग स्टडी नहीं कर पाएंगे, बिकॉज एट अ टाइम कैन स्टडी ओनली वन वेरिएबल, या तो प्रेशर या तो वॉल्यूम, दोनों चीजें चेंज होंगे तो इसको स्टडी करना इम्पॉसिबल है. तो योर कंटेनर मस्ट बी क्लोज कंटेनर, तो वॉल्यूम इज कॉन्स्टेंट. तो प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट ए इज पी आई, तो इनिशियली हमारे पास ना बी है ना हमारे पास सी है, तो जीरो जीरो. ओके, अगर रिएक्टेंट रिएक्ट होगा प्रोडक्ट बनाएगा, तो देखो प्रेशर डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, प्रेशर डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. तो अगर ए बी एंड सी में कन्वर्ट होगा, तो अगर एक मॉलिक्यूल ए का बी, एक मॉलिक्यूल बी एंड एक मॉलिक्यूल सी बनाएगा, तो रिएक्टेंट के कुछ मॉलिक्यूल कम हो रहे हैं, अगर रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल कम हो रहे हैं तो उसका प्रेशर भी कम हो रहा है, किसका, ए का. तो समझो प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट ए आफ्टर टाइम टी इज पी आई माइनस एक्स, तो एक्स इज अमाउंट ऑफ प्रेशर डिक्रीज बिकॉज ऑफ द डिक्रीज इन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ए. तो अगर एक्स इज डिक्रीज इन प्रेशर, तो ए के वजह से बी एंड सी बन रहा है, तो अगर ए का प्रेशर एक्स से कम हो रहा है, तो जो बी बनेगा उसका प्रेशर एक्स होगा, और जो सी बनेगा उसका प्रेशर भी एक्स होगा. ओके, टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम, सॉरी आई एम रियली सॉरी नॉट इक्विलिब्रियम, टोटल प्रेशर आफ्टर टाइम टी विल बी प्रेशर ऑफ ए प्लस प्रेशर ऑफ बी प्लस प्रेशर ऑफ सी. तो पी आई माइनस एक्स, एक्स एंड एक्स एड करोगे तो आंसर आएगा, तो टोटल प्रेशर इज इक्वल टू पी आई प्लस एक्स, या फिर इसको अरेंज करेगा तो एक्स इज इक्वल टू पी माइनस पी आई. ओके, तो हम लोग ये इक्वेशन को इसके साथ इसको कंपेयर करते हैं, इस गैसियस इक्वेशन को. तो व्हाट इज ए जीरो, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, तो यहाँ पे इनिशियल प्रेशर आएगा, तो व्हाट इज इनिशियल प्रेशर ऑफ ए, पी आई. ओके, यहाँ पे व्हाट इज ए टी, कॉन्सेंट्रेशन आफ्टर टाइम टी, तो व्हाट इज प्रेशर आफ्टर टाइम टी फॉर रिएक्टेंट ए, तो प्रेशर आफ्टर टाइम टी फॉर रिएक्टेंट ए इज पी आई माइनस एक्स, तो पी आई माइनस एक्स. बट प्लस एक्स का वैल्यू हमें ऑलरेडी मालूम है पी माइनस पी आई, तो इफ आई पुट इट हियर, तो ए टी इज इक्वल टू टू पी आई माइनस पी. सब्स्टिट्यूट दिस एंड दिस, टेम्परेचर कौन सा रखना ही पड़ेगा, विदाउट टेम्परेचर इफ दिस एंड दिस इफ यू पुट इन दिस इक्वेशन यू गेट फाइनल इक्वेशन के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग टू द बेस 10 पी आई अपॉन टू पी आई माइनस पी. ठीक है, तो दिस इज इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर गैशियस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. अगर ये हो गया रहेगा आपका, देन सॉल्व दिस न्यूमेरिकल. Following data were obtained during the first order decomposition of SO2Cl2 at constant volume. Following data were obtained during the first order decomposition of SO2Cl2 at constant volume. The reaction is SO2Cl2 gas, because SO2 gas plus Cl2 gas. ये data दिया है, time. And total pressure in unit bar. Bar is unit for pressure. The time 0 tha, so total pressure tha 0.5. Jab time 100 minutes ho gaya, so total pressure is 0.6. Calculate the rate constant for reaction. Bas aap try karo. Calculate rate constant for the reaction. Calculate rate constant for the reaction. Let us check. So, last पहला question सबके लिए. What is value of PI? Yes, someone. Very good. 0.5. What is total pressure? What is total pressure after time t? 0.6. Good. Total pressure after time t is 0.6. देखो, initially हमारे पास सिर्फ क्या होगा? React नहीं होगा तो उसका pressure है 0.5 and pressure after 100 minutes is 0.6. Okay. What is time? What is time? Time is 100 minutes, right?
formula k is equal to 2.303 upon t log to the base 10 pi upon 2 pi माइनस पी. अभी हमने डिराइव किया फॉर्मूला, अगर आपको देखना है तो देखो 2.303 अपॉन टी लॉग टू द बेस 10 पी अपॉन 2 पी आई माइनस पी. पी आई वैल्यू है 0.5 अपॉन 2 × 0.5 माइनस 0.6. ओके इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 100 लॉग टू द बेस 10 0.5 अपॉन 0.4. तो आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका फाइनल आंसर होगा. तो सॉल्व करोगे टोटल तो लॉग बुक यूज करके आप घर बाद में क्रॉस चेक करना 2.23 × 10⁻³ पर मिनट. तो हमने टाइम लिया है मिनट में, अब सेकंड में लेते थे आपका आंसर पर सेकंड आता. जस्ट चेक इट. हम्म, 2.23 है. 2.23 × 10⁻³. ओके डन. हो गया सब लोग का लिख के. ओके तो अभी नेक्स्ट टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कल किसी ने क्वेश्चन पूछा था एंड में व्हाट इज सूडो ऑर्डर रिएक्शन. सो लेट मी एक्सप्लेन व्हाट इज मीनिंग ऑफ सूडो ऑर्डर रिएक्शन. जैसा सके ना यहाँ पे बहुत ज्यादा मैस है, मैं ठीक कर देता पहले. लेट अस अंडरस्टैंड मीनिंग ऑफ सूडो ऑर्डर रिएक्शन. सूडो ऑर्डर रिएक्शन. ओके तो क्लास समझो, मेरे पास एक रिएक्शन है CH3 COOCH3. इसको एस्टर बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, आप सीखोगे या सीखा रहेगा. इसका नाम है मिथाइल एसीटेट. ओके व्हेन एस्टर रिएक्ट विद वाटर वी कॉल द रिएक्शन हाइड्रोलिसिस. वी गेट CH3COH प्लस CH3OH CH3COH प्लस CH3OH. तो एस्टर रिएक्ट विद वाटर एंड गिव्स एसिड प्लस अल्कोहल. दिस इज रिएक्शन. प्लस इसका स्ट्रक्चर का चाहिए आपको, जरूरत नहीं यहाँ पे, फिर भी एस्टर CH3COOCH3. दिस इज एस्टर मिथाइल एसिटेट, सॉरी मिथाइल एसिटेट, करेक्ट. ठीक है, तो एस्टर रिएक्ट विद वाटर एंड गिव्स यू एसिडिक एसिड प्लस अल्कोहल. ओके प्लस सबसे पहले मुझे बताओ इस रिएक्शन का रेट लॉ लिखने के, इस रिएक्शन का अगर आपको रेट लॉ लिखना है तो हाउ वी कैन राइट रेट लॉ ऑफ दिस रिएक्शन. रिएक्शन रेट लॉ लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा. टू राइट रेट लॉ फॉर दिस रिएक्शन, इफ आई राइट रेट इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन, रेट इज इक्वल टू के इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3COOCH3 इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर, राइट. This and this.
प्लस ये जो मैंने रेट लॉ लिखा है वो कहाँ से कैसे लिखा, तो मैंने इस रिएक्शन का मैकेनिज्म देखा, तो जो मैंने मैकेनिज्म देखा इस रिएक्शन का मैकेनिज्म, मतलब मैकेनिज्म में बहुत सारे स्टेप होते हैं, तो सबसे स्लो स्टेप को बोलते हैं हम लोग रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, सबसे स्लो स्टेप और मैंने पढ़े तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में एक मॉलिक्यूल प्रेजेंट है एस्टर का और एक मॉलिक्यूल प्रेजेंट है वाटर का, तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप देख के हम ले सकते हैं कि ये रेट डिपेंड्स ऑन द कॉन्फर्मेशन ऑफ एस्टर एंड कॉन्फर्मेशन ऑफ वाटर। तो प्लस इस रिएक्शन का मैकेनिज्म बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, पर मैं अगर आपको बताता हूँ, और इसका मैकेनिज्म में सबसे स्लो स्टेप है, वो स्लो स्टेप में कौन प्रेजेंट है, व्हाट वी कॉल स्लो स्टेप एज अ, तो स्लोएस्ट स्टेप इज कॉल्ड एज अ रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, वो देख के हम लोग रेट लॉ लिख सकते हैं। तो स्लोएस्ट स्टेप में आपको दिख रहा है CH3COCH3 एक मॉलिक्यूल, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन एंड वाटर का एक मॉलिक्यूल, इसलिए वाटर का कॉन्सेंट्रेशन। तो प्लस तो मैकेनिज्म से इस रिएक्शन का ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन बाय मैकेनिज्म कितना होना चाहिए, तो इसका पावर वन है, इसका पावर वन है, तो वन प्लस वन दैट इज इक्वल टू टू, दैट इज द सेकंड ऑर्डर रिएक्शन बाय मैकेनिज्म। ठीक है, तो क्लास रेट लॉ लिखने के दो तरीके हैं, या तो एक्सप्लेन करो या तो आपको उसका मैकेनिज्म मालूम होना चाहिए। मैकेनिज्म में भी कौन सा स्टेप, स्लोएस्ट स्टेप, तो आप स्लोएस्ट स्टेप देख के बोल सकते हो रिएक्शन का रेट लॉ क्या है। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ, चलो यहाँ पे ए गिव्स डी, तो ए गिव्स बी, टू बी गिव्स सी, एंड देन सी गिव्स डी, और ये समझिए सबसे स्लोएस्ट स्टेप है, सबसे स्लो स्टेप ही है, राइट। तो इस रिएक्शन का रेट लॉ क्या होगा, तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, देखो ये स्टेप आपको देखना है, आपको स्लो स्टेप देखना है, तो रेट, ये मैकेनिज्म किसने आपको बताया, तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कौन सा बी है, राइट, और कितने मॉलिक्यूल बी के, दो, तो बी रेस टू टू आएगा, यहाँ पे टू है ना, इसलिए बी रेस टू आएगा। तो आपको मैकेनिज्म मालूम होना चाहिए, मतलब मैकेनिज्म आपको मालूम नहीं होता, मैकेनिज्म आपको कोई तो प्रोवाइड करता है रेडीमेड जो साइंटिस्ट ने स्टडी किया है, तो आपको मैकेनिज्म मालूम है, तो आपको क्या देखना है रिएक्टेंट साइड, तो रिएक्टेंट में जितने भी रिएक्टेंट है उनका जो भी पावर है वो रेट लॉ में आता है। हेलो पांडे जी बोलो क्या बोलना है क्विकली। हेलो ठीक है मैं आगे बढ़ू। हेलो सर। हाँ बोलो सर, ये जो सबसे स्लो स्टेप होती है, तो यहाँ पे अगर इस रिएक्शन का मैकेनिज्म देखते हैं, तो उसके स्लोएस्ट स्टेप में एक एस्टर का मॉलिक्यूल एक वाटर का मॉलिक्यूल है, एस्टर का पावर वन वाटर का पावर वन, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन शुड बी टू, दैट इज सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, और बस अगर यही रिएक्शन वो एक्सपेरिमेंट करके सीखना चाहते हैं, इफ आई ट्राई टू परफॉर्म एक्सपेरिमेंट टू फाइंड द रेट लॉ, रेट लॉ सीखने के लिए मैं एक्सपेरिमेंट करता हूँ, तो समझो मैंने लिया 100 मोल्स ऑफ एस्टर, आई एम रियली सॉरी, मैंने लिया 0.1 मोल ऑफ एस्टर एंड 100 मोल्स ऑफ वाटर, कितना एस्टर लिया मैंने 0.1 मोल, एंड वाटर कितना लिया मैंने 100 मोल, तो आई डू 0.1 मोल ऑफ एस्टर एंड 100 मोल्स ऑफ वाटर, मेरी मर्जी, मैंने रिएक्शन में वाटर बहुत ज्यादा लिया, एक्सेस में लिया, ओके। तो गाइस इफ यू सी द स्टोइकोमेट्री ऑफ दिस रिएक्शन, 1 मोल ऑफ एस्टर रिक्वायर 1 मोल ऑफ वाटर, अगर आपके पास 1 मोल एस्टर है तो आपको 1 मोल वाटर लगेगा, अगर आपके पास 0.1 मोल एस्टर है तो आपको 0.1 मोल वाटर लगेगा रिएक्शन में, तो आपने लिया कितना 100, तो आपका यूज कितना होगा 100 माइनस 0.1, तो बचेगा कितना, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कितना बचेगा, ऑलमोस्ट 100 मोल वाटर का बच जाएगा, समझा, क्योंकि आपने वाटर रिएक्शन में बहुत ज्यादा एक्सेस भी लिया है। ठीक है, मैं वापस एक बार आपको बताता हूँ मैंने क्या किया, अपना रिएक्शन था CH3COOCH3 प्लस H2O गिव्स CH3COH प्लस CH3OH। ओके, हमने जब रिएक्शन किया तो हमने बिकर मिला था 0.1 मोल एस्टर और हमने बिकर मिला था 100 मोल्स ऑफ वाटर। ठीक है, तो क्लास जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा, आपको पता है 1 मोल ऑफ एस्टर रिक्वायर 1 मोल ऑफ वाटर, तो 0.1 मोल एस्टर रिक्वायर 0.1 मोल ऑफ वाटर, तो क्लास जो वाटर बचेगा रिएक्शन होने के बाद, आपका जो वाटर बचा हुआ है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर वो कितना होगा, आपने 100 मोल वाटर लिया था तो उसमें से 0.1 मोल यूज हो गया रिएक्शन के लिए, तो आपके पास वाटर बचा है 99.9 मोल,
which is approximately equal to 100 mole, right? तो क्लास कोई भी रिएक्शन में रिएक्टेंट पार्ट ले रहा है या नहीं ले रहा है कैसे पता चलता है? सिंपल क्वेश्चन आपके लिए, कोई भी रिएक्शन में रिएक्टेंट पार्ट ले रहा है या नहीं ले रहा है वो कैसे पता चलता है? मुझे कैसे पता चलेगा ये रिएक्टेंट रिएक्शन में पार्ट ले रहा है या फिर ये रिएक्शन में पार्ट ले रहा है? हाउ यू कम टू नो? सर बोल दिया कंसंट्रेशन। वेरी गुड, कंसंट्रेशन बढ़ता है कम होता है रिएक्टेंट का? हां कंसंट्रेशन कम होता है, राइट? कम हो जाएगा। तो अगर कंसंट्रेशन इस तरह का कम हो रहा है मतलब एस्टर पार्ट ले रहा है, वाटर का कम हो रहा है तो मतलब वाटर भी पार्ट ले रहा है, राइट? हाँ। प्लस इस रिएक्शन में वाटर का कंसंट्रेशन कम हो रहा है, हाँ हो रहा है, कितना 100 बिकम 99.9। पर क्लास ये कंसंट्रेशन इतना कम, ये कंसंट्रेशन चेंज इतना कम है, 100 बिकम 99.9, ये चेंज इतना कम है कि अपना एक्सपर्ट हमें झूठा रिजल्ट दिखाएगा, वो बोलेगा वाटर रिएक्शन में यूज हो ही नहीं रहा क्योंकि इतना कम चेंज कंसंट्रेशन अपना एक्सपेरिमेंट डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, उसको लगेगा कि रिएक्शन में वाटर यूज नहीं हुआ। इतना कम यूज हुआ तो एक्सपेरिमेंट को क्या लगेगा कि रिएक्शन में वाटर यूज हुआ ही नहीं, तो एक्सपेरिमेंट का आपको झूठा रिजल्ट दिखाएगा, बोलेगा एक्सपेरिमेंट रिजल्ट दिखाएगा आपको बोलेगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर इज ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट। आपने इतना सारा वाटर लिया है कि आपको लगेगा कि रिएक्शन में वाटर यूज हो ही नहीं रहा, तो वाटर कॉन्सेंट वाटर रिमेन कॉन्स्टेंट, ठीक है? तो प्लस रेट लॉ क्या था? रेट इज इक्वल टू के इंटू सी एच थ्री CO CH3 into H2O। पर आपका कॉन्सेंट वाटर चेंज नहीं हो रहा, मतलब इतना कम चेंज हो रहा है कि हमें लग रहा है कि हो ही नहीं रहा, तो इफ आई पुट वैल्यू ऑफ दैट हियर, रेट इज इक्वल टू K into CH3 COO CH3 into K dash। तो क्लास यहाँ पे एक कॉन्सेंट के और एक कॉन्सेंट के डैश है, तो इसका लेकिन टू डिफरेंट कॉन्सेंट रहता है, जिसका एक कॉन्सेंट के डबल डैश सी एच थ्री सी ओ ओ सी एच थ्री। तो क्लास ये आपको रेट लॉ मिलेगा एक्सपेरिमेंट करके। तो क्लास इस रेट, हाँ एक मिनट, इस रेट लॉ में वाटर है ही नहीं, इस रेट लॉ में वाटर है ही नहीं, तो हमें लगेगा रिएक्शन में वाटर पार्ट नहीं ले रहा, तो इसलिए रिएक्शन का ऑर्डर होगा 1 क्योंकि यहाँ पे एक ही पावर है। तो क्लास जिस रिएक्शन का ऑर्डर एक्चुअली रिएक्शन जिसका बताता हूँ रिएक्शन जिसका ऑर्डर एक्चुअली 2 था, राइट? एक्चुअली ऑर्डर 2 था, पर एक्सपेरिमेंटली मुझे उसका ऑर्डर कितना मिल रहा है? 1 मिल रहा है। तो उसका वन ऑर्डर रियल ऑर्डर या झूठा ऑर्डर है? तो वन इज नॉट इज रियल ऑर्डर, रियल ऑर्डर इज 2, बट इट अपीयर्स लाइक 1, सो वी कॉल दैट रिएक्शन एज अ सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है? मैं एक बार वापस बताऊंगा, पर उससे पहले किसी ने क्वेश्चन पूछा मुझे उसका मैं आंसर देता हूँ। हाँ बोलो, क्या डाउट है? प्लीज क्विकली, ठीक है, चलो 2 मिनट में इसको रिवाइज कर देता हूँ मैं आपको रिविजन। प्लस आपके पास रिएक्शन है सी एच थ्री सी ओ ओ सी एच थ्री, एस्टर है, रिएक्ट विद वाटर एंड गिव यू सी एच थ्री सी ओ एच प्लस सी एच थ्री ओ एच। अभी इस रिएक्शन का रेट लॉ लिखने के लिए 2 तरीके आपके पास। पहला, आपको इसका मैकेनिज्म होना चाहिए, तो मैकेनिज्म आप खुद ने ढूंढे, कोई साइंटिस्ट ने ऑलरेडी ढूंढा हुआ है, तो मैकेनिज्म के हिसाब से जाएंगे। तो जो सबसे स्लोएस्ट स्टेप है इस मैकेनिज्म में, देखो इज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, टेक प्लेस इन मोर देन वन स्टेप, समझे? इसमें जितने भी स्टेप्स है उसमें सबसे जो स्लो स्टेप है, उस स्लो स्टेप में प्रेजेंट है एस्टर एंड वाटर, वन मॉलिक्यूल ऑफ एस्टर एंड वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। तो उस हिसाब से जाएंगे मैकेनिज्म के हिसाब से, तो इस रिएक्शन का रेट लॉ होना चाहिए, रेट इज इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एस्टर, एक ही मॉलिक्यूल प्रेजेंट है मैकेनिज्म में, स्लो स्टेप में तो एक ही है, और एक मॉलिक्यूल प्रेजेंट वाटर का, इसलिए ये के। तो दिस इज रेट लॉ बाय मैकेनिज्म। आई होप यू अंडरस्टैंड, मैकेनिज्म में बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, आपको ढूंढना है सबसे स्लो स्टेप, सबसे स्लो स्टेप में एक मॉलिक्यूल एस्टर का प्रेजेंट है, एक मॉलिक्यूल वाटर का प्रेजेंट है, आपको मैकेनिज्म रिएक्शन का नहीं देखना है, कॉम्प्लिकेटेड है। मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि एस्टर का एक मॉलिक्यूल है, वाटर का एक मॉलिक्यूल है, तो दिस इज रेट लॉ रिटन विद द हेल्प ऑफ मैकेनिज्म। तो प्लस अगर इसका ऑर्डर देखते हैं, ऑर्डर इज द सम ऑफ द पावर्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इन रेट लॉ।
इस रेट लॉ में इस कॉन्सेंट्रेशन टर्म का पावर वन है, इस कॉन्सेंट टर्म का पावर वन है, तो टोटल ऑर्डर वन प्लस वन दैट इज इक्वल टू टू, तो रिएक्शन इज अ सेकंड ऑर्डर, वेरिएशन सेकंड ऑर्डर है, ठीक है, बाय मैकेनिज्म। तो इसको हम लोग के डैश लिखते हैं, के डैश, ओके। अगला भी हम लोग देखते हैं एक्सपेरिमेंटल, इसका ऑर्डर फाइंड करना चाहते हैं एक्सपेरिमेंटल, एक्सपेंड करके। अगला अगर एक्सपेरिमेंट करते वक्त अपने एस्टर लिया है 0.1 मोल एंड वाटर लिया है 100 मोल, आपकी मर्जी आप कितना लेना चाहते ले सकते हो। तो समझो मैंने वाटर को लिया लार्ज एक्सेस में, बहुत ज्यादा, एस्टर कितना लिया 0.1 मोल, वाटर कितना लिया 100 मोल, तो रिएक्शन आपको बताता है कि एक मोल एस्टर के लिए चाहिए एक मोल वाटर। अगर रिएक्शन कंप्लीट हुआ इफ यू हैव 1 मोल एस्टर इट रिक्वायर 1 मोल ऑफ वाटर, तो अगर आप 0.1 मोल एस्टर लेते हो तो आपको चाहिए 0.1 मोल वाटर। तो 100 मोल्स ऑफ वाटर में से अगर 0.1 मोल वाटर कम हो गया रिएक्शन में यूज हुआ तो आपके पास वाटर कितना बचेगा 99.9 मोल, विच इज अप्रोक्सिमेटली इक्वल टू 100 मोल। तो आपका एक्सपेरिमेंट पता नहीं कर पाएगा कि वो 0.1 मोल यूज हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि वो इतना कम यूज हो रहा है कि एक्सपेरिमेंट को वो डिटेक्ट करना पॉसिबल नहीं, इतना कम कॉन्सेंट्रेशन चेंज हुआ है वो एक्सपेरिमेंट आपको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा कि इतना कम यूज हुआ है। तो हम एक्सपेरिमेंट को क्या लगेगा, इट गिव्स यू सूडो रिजल्ट्स। तो एक्सपेरिमेंट आपको क्या बताएगा, रिएक्शन में वाटर यूज हुआ ही नहीं, वाटर का यूज हुआ नहीं, वो एक्सपेरिमेंट बताएगा। और रिएक्शन अभी हमारे पास उतना 100 मोल था वाटर अप्रोक्सीमेटली, तो यूज हो रहा है कि नहीं वाटर, वाटर यूज तो हो रहा है पर इतना कम यूज हो रहा है कि हमें पता ही नहीं चल रहा। तो बोल सकते हैं कि एक्सपेरिमेंट हमें रिजल्ट दिखा रहा है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर इज कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द रिएक्शन, तो रिएक्शन होता है वाटर का उतना चेंज नहीं हो रहा, एक्चुअली हो रहा है पर लग रहा है कि नहीं हो रहा बिकॉज वो बहुत कम यूज हो रहा है। तो हमें एक्सपेरिमेंट झूठा रिजल्ट दिखाएगा कि वाटर का कॉन्सेंट कॉन्स्टेंट है, लेट अस से कॉन्स्टेंट इज के डबल डैश। तो हमें झूठा रिजल्ट मिला है कि वाटर यूज नहीं हो रहा, उसका कॉन्सेंट्रेशन कॉन्स्टेंट है, तो हमें पता कैसे चलता है कोई रिएक्टेंट यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा, उसका कॉन्सेंट्रेशन कम होता जाता है। बस अभी ये 0.1 मोल एस्टर था, जब रिएक्शन खत्म हो गया तो पूरा खत्म हो गया, हमारे पास बचा ही नहीं है, मतलब हमें पता चला एस्टर पूरा का पूरा यूज हो गया, वाटर 100 मोल था उसमें से सिर्फ 0.1 मोल यूज हुआ है। तो हमें जो रिएक्शन हमने जो एक्सप्लेन करेंगे वो हमें झूठा रिजल्ट दिखाएगा कि बोलेगा वाटर यूज हुआ ही नहीं, वो बताएगा ठीक है तो इतना कम यूज हुआ है वाटर, तो हमें लगेगा कि कॉन्सेंट्रेशन वाटर रिमेन कॉन्स्टेंट इज नॉट यूज एट ऑल इन द रिएक्शन। सो बोथ दैट कॉन्सेंट इज के डबल डैश। इफ आई पुट इन इक्वेशन होगा, इसको इक्वेशन नंबर में डाल देता हूं मैं, तो क्या होगा, रेट इज इक्वल टू के डैश, ऐसे कॉन्सेंट व्हाट इज कॉन्स्टेंट लेट अस सेट ऑल दैट कॉन्स्टेंट एज के डबल डैश इनटू एस्टर CH3COO CH3, तो रेट इज इक्वल टू, तो प्लस दो दो कॉन्स्टेंट लिखने से अच्छा एक ही कॉन्स्टेंट है, तो के डैश इनटू के डबल डैश कैन बी रिटन एज के कॉन्स्टेंट इनटू कॉन्स्टेंट इज अ कॉन्स्टेंट CH3COO CH3। तो अब ये रेट लॉ देखते हो तो इसमें कॉन्सेंट्रेशन टर्म एक ही है, कौन सा, एस्टर, और उसका पावर कितना है 1 है, तो ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन इज 1। तो प्लस क्या रिएक्शन का ऑर्डर सच में 1 है, नहीं, इस रिएक्शन का ऑर्डर एक्चुअली 2 है, पर अपना एक्सपेरिमेंट हमें झूठा रिजल्ट दिखा रहा है कि इस रिएक्शन में वाटर यूज हो ही नहीं रहा, एक्सपेरिमेंट बता रहा है कि यूज नहीं हो रहा, एक्चुअली वाटर यूज हो रहा है, पर एक्सपेरिमेंट का फॉल्ट है कि एक्सपेरिमेंट डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है कि वो रिएक्शन में वाटर यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो हमें क्या लग रहा है कि रिएक्शन में वाटर का कॉन्सेंट्रेशन इज नॉट चेंजिंग, मतलब क्या रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर, ऐसा हमें लगेगा। तो जो लगेगा उसको हम बोलते हैं इंग्लिश में सूडो फॉल्स। Okay, so the reaction which is actually second order behaves like a first order reaction, and we call this reaction as a pseudo first order reaction. Okay, jo bhi question hai quickly, aapko 2 minute deta hu main, jo bhi puchna hai puch lo abhi about pseudo order reaction. फटाफट yes, mujhe aage badhna hai, jaldi jaldi pucho. Hello, no doubts, MBC sir, aage badhu main. हेलो सर, हेलो, किसी को डाउट है? हाँ, मेरा आवाज आ तो रहा है ना आपको, जल्दी बोलो। हेलो सर, हाँ बोल। हेलो, समबडी प्लीज रिस्पॉन्ड, क्या आवाज आ रहा है, नहीं आ रहा लेक्चर? हाँ सर, बोल रहा हूँ। सौरभ बोल, फिर जल्दी बोल, रुक रुक हेलो वालो क्यों कर रहा है, तो अपना क्वेश्चन बोलना। हाँ आशीष सर, दिस इज डन, ये हो गया क्या, प्लीज बोलिए सर, वहाँ तक आवाज ही नहीं पूछ रही मेरी। सौरभ तो अपना क्वेश्चन बोल सर, सर आवाज नहीं सुन पा रहे।
वो तू समझ रहा है? हाँ सर वो कुछ और ही बोल रहे सर। हेलो आशीष सर, हेलो हेलो आशीष सर, हेलो सर आवाज आ रही है मेरी? हेलो 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 कोई तो बोलो सर, एमबीसी सर आप हो वहाँ पे? हाँ आपको सर? आवाज आ रही है मेरी? हेलो सर, सर वहां तक आवाज ही नहीं पहुंच रही है। ओके मैं अज्यूम करता हूँ कि मुझे सब सुन रहे हैं। सौरभ रुक जा बाद में देखते हैं। लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर इज मेरा स्पीकर बंद था सर, अभी आवाज आ रही है आपको? हेलो 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 सर आवाज आ रही है आपको? अभी आवाज आ रही है मेरी? आपकी आवाज आ रही है सर, लेकिन आपको हमारी आवाज नहीं आ रही है सर। हेलो आवाज आ रही है क्या मेरी? स्पीकर तो चालू है। हाँ तो इससे पहले जो मैंने सीखा तो उसमें आवाज आ रही थी, ये जब सीखा तो आवाज आ रही थी मेरी? ये क्लियर है सबको? मुझे लगता है ये सीखा तो स्पीकर बंद था या चालू था, प्लीज क्विकली रिस्पॉन्स करो। सर चालू था और आपकी आवाज आ रही है, पर ये जब सीखा तो स्पीकर चालू था क्या? ठीक है गुड, दिस इज डन। दिस इज डन, ये हो गया आपका डाउट। तुम लोग की आवाज नहीं आ रही मुझे, नो प्रॉब्लम, देखते हैं फर्क नहीं पड़ता एक्सप्लेन से। सर को एक्सप्लेन करने दो, देखते हैं बाद में क्या होता है। जस्ट वेट, कोलिजन थ्योरी। बालाजी हाथ हटा अपना, अभी हो गया। दिस इज लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, कोलिजन थ्योरी फॉर रिएक्शन। तो गाइस जब कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है तो रिएक्शन होने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स है। समझो हमारे पास रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट ए रिएक्ट विद अदर रिएक्टेंट सी बी, रिएक्टेंट ए रिएक्ट विद रिएक्टेंट सी बी सी डैश बी, तो ए रिएक्ट विद रिएक्टेंट ए रिएक्ट विद अदर रिएक्टेंट सी बी एंड गिव्स यू प्रोडक्ट। AB plus C. We react with CB and give the product AB plus C. So this is reaction. तो क्लास कोई भी रिएक्शन होने के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स है? तो एक रिएक्शन सक्सेसफुल होने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है? तो जो सबसे पहला रिक्वायरमेंट है रिएक्शन होने के लिए वो है कोलिजन बिटवीन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। सबसे पहला रिक्वायरमेंट है कोलिजन बिटवीन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। कोलिजन बिटवीन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। तो क्लास जब तक आपके पास दो रिएक्टेंट, कौन सा रिएक्टेंट ए एंड रिएक्टेंट सी बी, तो जब तक ए एंड सी बी आपस में टकराएंगे नहीं जोर से तब तक रिएक्शन होने का कोई चांस नहीं है। प्लस एक ही कोलिजन में रिएक्शन हो जरूरी नहीं है, कोलिजन बार बार होने चाहिए, तो कोई तो एक कोलिजन में रिएक्शन सक्सेसफुल होगा। पर नो कोलिजन नो रिएक्शन, तो बिटवीन रिएक्टेंट ए एंड रिएक्टेंट सी बी ये दो रिएक्टेंट के बीच में क्या होना चाहिए? कोलिजन। जितना ज्यादा बड़ा कोलिजन होंगे उतना रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट होने का चांसेस बढ़ जाएगा। ठीक है सब देखो, सबके सब कोलिजन से प्रोडक्ट नहीं बनता, और ऐसा कोई तो एक कोलिजन होगा जो सक्सेसफुल होगा जिससे ए और सी बी के कोलिजन से क्या बनेगा? प्रोडक्ट बनेगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन इज कोलिजन बिटवीन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। तो जो मॉलिक्यूल को रिएक्शन में पार्ट लेना है प्रोडक्ट बनाना है तो उनके बीच में कोलिजन होना जरूरी है। प्लस हम जो 10,000 कोलिजन हो गए राइट, 10,000 के 10,000 कोलिजन होकर प्रोडक्ट नहीं बनेंगे। समझो 10,000 में सिर्फ 4-5 कोलिजन से प्रोडक्ट बनेगा,
सिर्फ चार पांच कोलिजन से ही प्रोडक्ट बनेगा, बाकी के कोलिजन वेस्ट हो जाएंगे, पॉसिबल है, पर कोलिजन हुआ ही नहीं तो प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं। तो सबसे इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट है कि जो मॉलिक्यूल्स है किसके रिएक्टेंट के, उनके एज में क्या होना चाहिए, कोलिजन होना चाहिए। इफ देयर इज नो कोलिजन देयर इज नो रिएक्शन। तो देयर मस्ट फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज देयर मस्ट बी कोलिजन बिटवीन द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। तो दूसरा रिक्वायरमेंट है कि सिर्फ कोलिजनों के फायदा नहीं है, तो प्लस जो मॉलिक्यूल कोलाइड कर रहे हैं, जो मॉलिक्यूल कोलाइड कर रहे हैं दे शुड पजेस मिनिमम काइनेटिक एनर्जी और उनके पास वो एनर्जी नहीं रहेगा तो कोलिजन होके भी प्रोडक्ट नहीं बन पाएगा। दैट मिनिमम काइनेटिक एनर्जी इज कॉल्ड एज एक्टिवेशन एनर्जी। मिनिमम काइनेटिक एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी। लेट मी एक्सप्लेन दैट, मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। प्लस हम लोग यहाँ पे देखते हैं ग्राफ, प्लस ये ग्राफ बहुत डिटेल में से हो गया। आप चैप्टर का नाम है हैलोजन डिवाइडेड बाय वल्केन्स एंड अरिन्स। यहाँ पे होगा एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी ऑन वाई एक्सिस और यहाँ पे होगा रिएक्शन कोऑर्डिनेट। मतलब अलग अलग स्टेजेस ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। तो वाई एक्सिस पे पोटेंशियल एनर्जी एंड एक्स एक्सिस पे रिएक्शन कोऑर्डिनेट, मतलब डिफरेंट स्टेजेस ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। तो प्लस जब ए और सी बी के बीच में कोलिजन होगा, तो जब ए एंड सी बी के बीच में कोलिजन होगा तो प्लस क्या होगा, सिस्टम बिकम अनस्टेबल एंड एनर्जी ऑफ सिस्टम, समझो ये रिएक्टेंट है, समझो ए और सी बी का मिला के एनर्जी कुछ ये है, दिस इज एनर्जी ऑफ ए ए प्लस सी बी। तो रिएक्टेंट ए और रिएक्टेंट सी बी का मिला के एनर्जी कुछ ये है। जब दो रिएक्टेंट कोलाइड करेंगे ओके विद सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी, तो एनर्जी ऑफ सिस्टम गोज ऑन इंक्रीजिंग, एनर्जी बढ़ना शुरू हो जाएगा, बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, ठीक है। और प्लस ए और सी के बीच में पार्शियल बॉन्ड बनेगा एंड सी एंड बी के बीच का पार्शियल बॉन्ड टूट जाएगा। तो प्लस ये जो बना है ये ना ठीक से रिएक्टेंट है ना ठीक से प्रोडक्ट है, हम लोग बोलते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट। ठीक है, जो सबसे ज्यादा अनस्टेबल होगा और जिसके पास मैक्सिमम एनर्जी होगा। ठीक है, बाद में क्या होगा, ये इंटरमीडिएट पूरे तरह से टूट जाएगा और हमें क्या मिलेगा, प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट का एनर्जी वापस कम हो जाएगा, तो रिएक्टेंट है और हमें क्या मिलेगा, प्रोडक्ट। तो प्लस रिएक्टेंट को इंटरमीडिएट बनने तक जो एनर्जी लगता है दैट इज कॉल्ड एज एक्टिवेशन एनर्जी, हम इसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। तो आपको रिएक्टेंट को कोलाइड करके उसको मोस्ट अनस्टेबल स्टेट तक लेके जाना है, तो मोस्ट अनस्टेबल स्टेट तक लेके जाने के लिए आपके पास जो एनर्जी चाहिए दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज एक्टिवेशन एनर्जी। तो अगर ए और बी मॉलिक्यूल, ए और मॉलिक्यूल सी बी के बीच में कोल्यूजन होके अगर वो इतना एनर्जी अचीव नहीं कर पाएंगे, कितना एक्टिवेशन एनर्जी, तो प्रोडक्ट बनने का कोई भी चांस नहीं है। तो प्रोडक्ट अभी तभी बनेगा अगर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कोलाइड करके एक मिनिमम एनर्जी अचीव करते हैं, वी कॉल दैट एनर्जी एज एक्टिवेशन एनर्जी। थर्ड एंड लास्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ओरिएंटेशन ऑफ द मॉलिक्यूल। प्लस फॉर एग्जांपल समझो हमारे पास रिएक्शन है सी एच 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 हमारे पास रिएक्शन है सी एच 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 जस्ट अ सेकंड ना प्लीज। Br, तो प्लस यहाँ पे दो चांसेस है, यहाँ पे OH अटैक फ्रॉम दिस साइड, अगर OH ऐसे अटैक करता है तो OH अटैक ऑन दिस कार्बन, OH इज अ न्यूक्लियोफाइल तो OH अटैक ऑन दिस कार्बन, और आपको यहाँ पे H O C H H H और ये Br निकल जाएगा, ऐसे आपको Br मिलेगा। तो प्लस अगर C H H H बी आर है और यहाँ पे OH ने अगर यहाँ से अटैक किया
इस साइड से अटैक किया तो प्लस इस साइड पे ब्रोमिन है और ब्रोमिन भी न्यूक्लियोफाइल है और ओज भी न्यूक्लियोफाइल, तो ब्रोमिन क्या करेगा ओज को रिपेल कर देगा, सीधा भगा देगा और देयर विल बी नो रिएक्शन। तो प्लस आपका अगर आपका रिएक्शन हो रहा है तो जो अटैक हो रहा है वो प्रॉपर डायरेक्शन में होना चाहिए, उसको बोलते हैं प्रॉपर ओरिएंटेशन। तो प्लस ये सब चीजें आपको मैं बहुत डिटेल में सिखाऊंगा, मैंने आज आपको सिर्फ रफ आइडिया दिया है। तो सबसे पहले एक रिएक्शन होने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, तो रिएक्शन होने के लिए पहला रिक्वायरमेंट है कि जो मॉलिक्यूल रिएक्ट करेंगे उनके बीच में कोलिजन होना चाहिए, दे शुड अंडरगो कोलिजन, उनके बीच में टकराव होना चाहिए, दे मस्ट कोलाइड विद ईच अदर, दैट इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट। ओके, सेकेंड रिक्वायरमेंट इज जो मॉलिक्यूल कोलाइड कर रहा है, ओके तो स्टार्टिंग में जो मॉलिक्यूल कोलाइड करेंगे, जब मॉलिक्यूल रिएक्शन कोलाइड करेंगे तो सिस्टम बिकम अनस्टेबल, एनर्जी गोज ऑन इंक्रीजिंग एंड दैट सिस्टम रीच टू मैक्सिमम अनस्टेबल स्टेट, we call that stage as a transition state. तो हर एक रिएक्शन को ट्रांजिशन स्टेट में पहुंचना पड़ता है। तो रिएक्टर अगर ट्रांजिशन स्टेट में पहुंचेंगे तो जो आपका जो कंपाउंड बनाया दैट इज हाईली अनस्टेबल कॉल्ड एज इंटरमीडिएट, अगला बाद में वो इंटरमीडिएट टूट के वापस सिस्टम बिकम स्टेबल, एनर्जी अगेन गोज ऑन डिक्रीजिंग और समवेयर योर प्रोडक्ट्स आर फॉर्म। पर रिएक्टेंट को ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंचने के लिए आपको जो एनर्जी चाहिए दैट इज कॉल्ड एज एक्टिवेशन एनर्जी, मिनिमम काइनेटिक एनर्जी। तो अगर रिएक्टेंट ए और सी बी कोलाइड करके इतना एनर्जी अचीव नहीं कर पाए तो जो एक्टिवेशन एनर्जी है 80 किलो जूल, तो ए और सी बी के बीच में कोलिजन होके अगर वो 80 किलो जूल एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे इसके लिए इस स्टेज पर पहुंचने के लिए, तो और समझो उसने प्रोड्यूस किया सिर्फ 70 किलो जूल, तो 70 किलो जूल तक ही पहुंच पाए तो क्या होगा, उनको रिक्वायर्ड एनर्जी नहीं मिला तो रिएक्टर अगेन रोल बैक इन बैकवर्ड डायरेक्शन और प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो कोई भी रिएक्शन होने के लिए रिक्वायरमेंट क्या है, रिएक्टर मस्ट रीच टू दैट मोस्ट अनस्टेबल स्टेट बाय अचीविंग एनर्जी कॉल्ड एज एक्टिवेशन एनर्जी, अगर वो एनर्जी अचीव नहीं किया जाता तो रिएक्शन नहीं होता, तो दैट इज कॉल्ड एज एक्टिवेशन एनर्जी। प्लस मैं बहुत फास्ट और बहुत रफली बता रहा हूँ बिकॉज मैं लेक्चर का टाइम खत्म हो रहा है, नेक्स्ट लेक्चर उसको बहुत डिटेल में सीखेंगे। अगला तीसरा चीज का है ओरिएंटेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स, तो जो मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहे हैं वो एक प्रॉपर डायरेक्शन से एक दूसरे के साथ कोलाइड होने चाहिए। तो अगर OH बैक साइड से अटैक करेगा कार्बन के ऊपर तो ये प्रोडक्ट बन पाएगा, पर अगर वही OH फ्रंट साइड से अटैक करेगा इस कार्बन के ऊपर तो यहाँ पे BR उसको रिपेल करके उसको भेज देगा और रिएक्शन नहीं होगा। तो जो भी कोलिजन हो रहा है दे शुड बी इन प्रॉपर डायरेक्शन और प्रॉपर ओरिएंटेशन। दिस थियरी इज कॉल्ड एज अ कोलिजन थियोरी ऑफ रिएक्शन, इसका मैथमेटिक्स हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। ओके, तो बिफोर आई स्टॉप आपके जो डाउट्स है प्लीज पूछ लो। इस थियोरी हम लोग इस थियोरी को अभी फिलहाल टेंशन मत लो, मैं कल के लेक्चर में या फिर नेक्स्ट लेक्चर जब भी होगा मैं आपको बहुत डिटेल में सिखाऊंगा, मैंने आज बहुत रफली बताया आपको मैंने। हेलो, कोई सुन रहा है मुझे? हेलो, हाँ सर, हेलो सर, आवाज आ रही है हमारी? बिजी सर। अरे वहां पे क्या सिस्टम हुआ है ना, सर का आवाज सबको आ रहा है सर? हाँ, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही, किसी की आवाज नहीं आ रही शायद, सर ने आपका आवाज ये कर दिया है। कंटिन्यू प्रॉब्लम हो रहा है, उनका आवाज सबको जा रहा है लेकिन उनको किसी की आवाज नहीं जा रही है। हेलो, अभी आ रही है? बोलो। हाँ सर, आवाज आ रही है आपको? हाँ, अभी आ रही है मुझे। हाँ नहीं, वही प्रॉब्लम था, क्या था पता नहीं। ठीक है, देख लीजिए। हाँ सर, अभी हो गया आज का लेक्चर। ठीक है, आज स्टूडेंट्स आज ना थोड़ा डाउट नहीं पूछते क्योंकि आपका नेक्स्ट लेक्चर शार्प 11:15 को स्टार्ट होगा सुनील सर का, लेट मत करना, जो भी डाउट रहेगा कल सर से पूछ लेना आप आसिफ सर से। हाँ सर, अभी हेलो। हाँ सर, ठीक है, आप रोक सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू। कम से कम रिकॉर्डिंग को कैसे संभालना है, कट हो जाएगा तो अपने आप हो जाएगा।